नमस्ते, मैं हूँ काजल। आज हम सीखने वाले हैं भुजंगासन। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप भुजंगासन करते समय क्या क्या मिस्टेक करते हैं और आपको भुजंगासन कैसे सही तरीके से करना है। लेकिन उसके पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम भुजंगासन करते समय क्या क्या मिस्टेक करते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं पहले मिस्टेक से कि हम मिस्टेक क्या करते हैं भुजंगासन करते टाइम। तो जब आप भुजंगासन करते हैं आप डायरेक्ट इस आगे की तरफ इस तरीके की इस तरीके से कुछ भुजंगासन करते हैं। तो ये भुजंगासन करने का गलत तरीका है। जब आप भुजंगासन करते हैं आपके पैर ऐसे होते हैं, आपके हाथ आगे होते हैं और ये स्ट्रेट होता है। आपके कंधे, आप देख रहे हैं मेरा कंधा कैसे ऊपर की तरफ है, तो आपका कंधा ऐसे ऊपर की तरफ रहता है। आपके एल्बोज जब आप भुजंगासन करते हैं तो ऐसे बाहर की तरफ निकले रहते हैं। ये सारी आप मिस्टेक करते हैं। अब हम देखते हैं आपको भुजंगासन सही तरीके से कैसे करना है। तो जब आप भुजंगासन करें तो पहले आपको मकरासन में लेट जाना है। मकरासन में आपको इस तरीके से लेट जाए, अपने दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाकर लेट जाए। आराम, पहले अपने बॉडी को फुल रिलैक्स कर दे, फिर अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जाए। धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे ले जाए और अपने पैर को इस तरीके से स्ट्रेट रखे। जब आप भुजंगासन करते हैं तो बहुत लोगों के हाथ इस तरीके से आगे रहते हैं या फिर बहुत लोग के बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप भुजंगासन करें तो आपका दोनों हाथ आपके चेस्ट के पास हो और आपका एल्बो इस तरीके से बाहर ना निकला हो। एल्बो आपका अंदर रहना चाहिए। आपके पैर इस तरीके से स्ट्रेट जमीन पर और आपको धीरे धीरे अपने बॉडी को अपने नाभि इतना ऊपर उठाना है। बहुत लोग रहते हैं अपने बॉडी को ज़्यादा ऊपर उठाते हैं जिससे उनके पैर में पेन चालू हो जाता है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपके बॉडी को आपके नाभि इतना ही उठाना है और अपने हाथ को इस तरीके से आपको स्ट्रेट नहीं रखना है। जब भी आप भुजंगासन करें तो आपका हाथ इस तरीके से हल्का सा टेढ़ा हो और आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स करनी चाहिए। आप देख रहे हैं मेरा कंधा भी मुड़ा हुआ है, तो आपको आपका कंधा ऐसे मुड़े हुए नहीं रखना है, आपका कंधा स्ट्रेट रहना चाहिए। फिर आप धीरे धीरे नीचे आए। अब हम मैं आपके साथ एक बार फिर से सही तरीके से भुजंगासन करती हूँ जिससे आप अच्छी तरीके से भुजंगासन कर पाए। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं भुजंगासन करने के लिए। पहले मकरासन में लेट जाए, अपने बॉडी को फुल रिलैक्स कर दे। 3 से 5 सेकंड तक अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़े, अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जाए, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से जोड़ लें और आपके पैर सीधे हो। अपने हाथों को धीरे धीरे अपने चेस्ट के पास लेके आए, आपके एल्बो इस तरीके से बाहर ना निकले हो, अंदर हो। और इनहेल करते हुए अपने बॉडी को उठाए, फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ जाए। ये भुजंगासन करने का सही तरीका है। आपको भुजंगासन इसी तरीके से करना है। अब हम देख लेते हैं कि भुजंगासन करने के क्या बेनिफिट है। हम इसमें कुछ बेनिफिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। भुजंगासन जब आप करते हैं तो आपके पेट में जमी चर्बी यानी आपका जो फैट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आपका बैक पेन भी कम होने लगता है, आपके कमर में फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। साथ ही साथ अगर आपको स्ट्रेस होता है या फिर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो भी आप भुजंगासन कर सकते हैं। भुजंगासन आपके माइंड को रिलैक्स करता है जिससे आपको अच्छी नींद भी आती है। तो आप अपने रेगुलर आसनास में भी भुजंगासन ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लोगों को भुजंगासन नहीं करना चाहिए। भुजंगासन
को नहीं करना चाहिए जो प्रेग्नेंट हो या फिर है जिनको भुजंगासन करते समय चक्कर या उल्टी आ रहा हो, ये भुजंगासन ना करें। अगर आपको कमर के रिलेटेड कोई भी समस्या है, जैसे ऑपरेशन हुआ हो या फिर आपके पेट या पेट के निचले हिस्से में ऑपरेशन या सर्जरी हुई हो, तो आप ये आसन ना करें।